अक्षरों में अंकित है। आज उनको उनके औलादों के साथ, उनके आने वाली भविष्य के साथ जात पात का जहर बोकर न केवल इस देश में गृह युद्ध कराने की साजिश चल रही है, और अलग से एक पार्टी कभी होती थी जिसकी जवान मैंने बंद कराई थी माननीय काशीराम जी की, जब वो नारा लगाते थे तिलक तराजू कलम तलवार इनको मारो जूता चार, उस समय मैंने कहा था कि अगर काशीराम जी एक जवान भी अभी बोलेंगे तो जिंदा मुर्दा हम आपको हाजिर कर देंगे कमिश्नरी पर और सरकार पर। उसकी पुनरावृत्ति करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर बहुजन का असली रूप लेकर सरकार में बैठकर सरकारी धन खर्च करके ऐसी योजनाएं जो बेमतलब की हैं, ऐसी योजनाएं जो सरकार को का धन व्यर्थ करने वाली हैं, उनको चलाकर लालीपाप दिखाकर दलित और सवर्ण बताकर ये नौटंकियां चालू करके वोट के लालच में 22% 28% के वोट के लालच में 72% लोगों को देश निकाला करने का फरमान जारी कर दिया। ऐसा कानून कि अगर कोई मेरे साथ काम कर रहा है और उसके मन में विकार आ गया और उसने कहा कि नहीं, हम जाके रिपोर्ट कर दिया थाने में कि हमको फलाना कहा है, अमुक कहा है, तो जेल में 6 महीना जाना पड़ेगा, कारावास जाना पड़ेगा, जमानत नहीं होगी और कोई विवेचना नहीं होगी तब तक जब तक वो गिरफ्तारी उसकी नहीं हो जाएगी। ये देश को घातक और स्थिति पर ले जाने का ये कार्यक्रम है। और इतना ही नहीं, दलित के साथ कभी भी कोई सवर्ण अन्याय नहीं किया, दलित के साथ बड़ा दलित अन्याय कर रहा, माना कि 20 पटवारी की जगह निकली, 20 मास्टर की जगह निकली, 20 निकली किसी तहसीलदार की जगह निकली, तो हमारे गांव का राम गरीब आदिवासी या हमारे गांव का राम सज्जन हरिजन उसका लाभ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बच्चे तो गांव में टटीहरा पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे तो त्यूनी में पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे तो गांव के एक छोर में पढ़ रहे हैं, किसी तरह से 8वीं 10वीं और डिग्री ले लिया, और अब जब वो 20 जगह निकली तो एक व्यापम एजेंसी है जो सेलेक्ट करके देगी, तो उस दलित का बच्चा उसमें अप्लाई करेगा जिसका सेंट्रल स्कूल में पढ़ा है, जिसका एकेडमी में पढ़ा है, जिसका अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, जिसका बड़े स्कूल में पढ़ा है, उसका बच्चे का लाभ ले रहा है। इस देश में ये जो दोयम दर्जे का कार्यक्रम चल रहा है, इससे मैं व्यथित होकर, वैसे भी मैं मौत के मुंह से लड़ते हुए मैं लौट के आया हूँ, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया था इसलिए एक साल से मैं इस स्थिरता की ओर था। अब मुझे डॉक्टरों ने कहा है कि लक्ष्मण तुम जाओ, और जिसने चैलेंज किया है कि कोई माई का लाल नहीं है, मेरी माँ का नाम सावित्री देवी है, मैं लक्ष्मण तिवारी हूँ और मैं पहला माई का लाल हूँ कि मैं इस मध्य प्रदेश में ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंकने का काम इस देश तक ले जाएंगे, और मेरा व्रत है जो मैं कल महाकाल की नगरी उज्जैन में पूजा अर्चना करके 9 बजे मैं यात्रा अपनी प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं धन विहीन हूँ, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास स्वाभिमान है, मेरे पास लोगों का सम्मान करने का एक तजुर्बा है, और इस कारण से अगर कोई धन बल दिखाकर भारतीय जनता पार्टी में जो भी कोई पहुंच गया, चोरी कैसे कर रहा है और धन कहां से अर्जित कर रहा है और कहां नौकरी कर रहा है, कैसे पहुंच गया, अगर उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी बांटकर सरकार बनाकर और इस देश को, इस प्रदेश को खत्म करना चाहती है, उसका कड़ा विरोध कर, क्योंकि कांग्रेस तो पहले कुछ नहीं कर सकती, कांग्रेस तो बंटाधार पहले थी, और भारतीय जनता पार्टी से लोगों को उम्मीद थी, नरेंद्र मोदी से नारा लगा, मगर मैं ये आज बात पत्रकारों के बीच कह रहा हूं भोपाल में कि बीपी सिंह जी ने जो बीज बोया था पूरा देश जानता है, और आज उनकी दुर्गति कहां है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो आपने ये सब बंदरवाट की योजनाएं बनाकर और आप सरकार का धन, हमारी गाड़ी कमाई का धन, जो डीजल 35 रुपए का मिलना चाहिए वो 76 रुपए मिल रहा, जो पेट्रोल 40 रुपए का मिलना चाहिए वो 80 रुपए मिल रहा।